प्रोत्साहन राशि की जगह निर्धारित मानदेय की मांग को लेकर जनपद के सभी ब्लॉकों पर एक सप्ताह से चल रहा आशा कार्यकर्तियों का धरना मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे के पहल से समाप्त हो गया है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि आशा कार्यकर्तियों से सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई बातचीत के बाद जनपद स्तर पर हल होने वाली सभी मांगे मान ली गई हैं। शेष के लिए शासन को अवगत कराया जाएगा। इसके बाद आशा बहनों ने अपना धरना समाप्त करने की बात कही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, पिछले एक हफ्ते से आशा बहनों का प्रदर्शन चल रहा था। उनकी कुछ मांगे थी जो कि कुछ मांगे सरकार की से थी और कुछ स्थानीय मांगे थी, इनको लेकर उनका प्रदर्शन एक हफ्ते से चल रहा है। आज हमने उनके पदाधिकारियों को और आशा बहनों को बुलाया था। करीब 30-35 के की संख्या में लोग आए हुए थे। बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से बहुत अच्छा माहौल में हम लोग अपना बात किए, क्योंकि ये हमारे परिवार का मसला है और हम उनसे हमें बहुत ही अपेक्षाएं हैं और उससे अनुरूप उन लोगों ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, बहुत अच्छी तरह से हमारी बातें सुनी और जो भी उनकी तकलीफें थी उनको हमने सुना और उनकी सारी तकलीफों को दूर करने की कोशिश की और बहुत ही अच्छा रहा। वो सब मांगे उनको वो लोग संतुष्ट रहीं और ये वादा करके कहीं कि कल से हम काम करेंगे और जो दूनी ताकत से हम काम करेंगे, जिससे हम प्रदेश में हमारा गोरखपुर जनपद सबसे अच्छा काम करेगा, नंबर वन पर रहेगा। और इसी को लेकर के उन्होंने मांग अपनी हड़ताल को ख़त्म करने के लिए घोषणा करके गई है।